पे आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में, जहाँ पे चाइनीज का गढ़ है, जहाँ पे चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे चाइनीज पोर्ट बना रहे थे, एक तो वो पोर्ट अभी किसी उस तरह चली भी नहीं है और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई है, दूसरा वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तीसरा चाइनीज को, इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है अक्रॉस द बंगालियों को कंट्री। 2% का कह देते हैं, इंडियन को कुछ नहीं समझते, उनको अभी भी ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मुल्क में वॉशरूम नहीं है, इग्नोरिंग द फैक्ट कि मेरे अपने मुल्क में 46% के पास वॉशरूम ही नहीं है, वॉशरूम ही नहीं है ठीक है। और एग्जैक्टली आई कैन नॉट बिलीव कि ये 75 ईयर्स कैसे सर्वाइव कर गया, और ये सर्वाइव नहीं करेगा। आई एम सॉरी टू से, अगर आपके व्यूवर्स को बुरा लगे, ये इस मॉडल पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ये हार्ड रीसेट अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है, और आज 7वां दिन है, क्योंकि जो कारोबारी लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो जो टैक्सेस लगाते हैं उन इंपोर्ट्स के ऊपर जो चाइना से आती हैं, जबकि जो गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट है उसने इस पर मना किसी किया। इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए, हम महंगाई के खिलाफ ना करें। इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा। सो सी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान है ये लेजिस्लेटिव एक असम्बली है और एक सेमी ऑटोनमस रीजन है, जिसको जारी बात है पाकिस्तान कंट्रोल करता है। अब ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी फेडरल गवर्नमेंट तो टैक्सेस इकट्ठे करेगी, लेकिन वो जो गिलगित बल्तिस्तान है, सॉरी जो गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट है, उन्होंने इसको स्टॉप किया हुआ है, और गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट जो है उसने इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एडिशनल सेल्स टैक्स है, ये सारे के सारे जो हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, गैर जरूरी है, और ये नहीं होने चाहिए। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो चीन, चाइना ने वहाँ पर अपने सी पैक प्रोजेक्ट, अलग अलग जो प्रोजेक्ट कर रहा था और वहाँ पर ट्रेड चलती थी चाइना की, वो सब चाइना ने बंद कर दी है। चाइना से जो पाकिस्तान ने कर्ज़ा लिया हुआ था, टोटल मिलाकर उसने पाकिस्तान के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए निकाल दिए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान को सीधे सीधे तौर पर यह अल्टीमेटम दे दिया गया है कि पहले कर्जा वापस करे और उसके बाद में आगे ट्रेड करने की सोचे या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोचे या फिर चीन स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक ये बहुत ही मोटी रकम है, और चाइना हमेशा ऐसा ही करता है, चाइना हमेशा से धोखा देता हुआ आया है, श्रीलंका को भी ऐसे ही क्राइसिस में डुबाया था ऐसे ही धोखा करके, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत सही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो आंखें हैं वो खुलनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अब सोच रहा है, अब इधर उधर भागेगा, इधर उधर ट्रेड के लिए या फिर लोन के लिए भागेगा। मैं आपको बता दूं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया, जाहिल पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चीज़ है, जारी बात है इसमें हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। हुकूमत कहती है जी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो फेडरल अथॉरिटी है वो डोमिनेट करेगी, उसका डिसीजन डोमिनेट करेगा ओवर दी प्रोविंशियल या ऑटोनमस जो बॉडीज हैं उनके ऊपर। अब हो ये रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वहां पे वो कहते हैं नहीं। सो अब गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं कि हमें टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, बिकॉज हमारी कोर्ट ने ये फैसला किया है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं, ऐसे मुमकिन नहीं है। इससे पहले आपको याद है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर इस वक्त आपको पता है बड़ी सस्ती बिजली मिल रही है, और वो क्यों मिल रही है सस्ती बिजली, बिकॉज कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने कहा कि हमें सस्ती बिजली दें, क्योंकि बिजली बनती ही आजाद कश्मीर में है। उस प्रोटेस्ट का ये फायदा कश्मीरियों को हुआ कि अब उन्हें तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है, 3 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है जनाब। सो ये एक उनको एडवांटेज है। सो मुझे ऐसे लगता है, जो मैं चीज समझता हूं, कि पाकिस्तान को इमीडिएट बुनियादों के ऊपर एक ग्रैंड डायलॉग करने की जरूरत है, नेशनल लेवल पे,
बिकॉज आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अमर्ज कर रहे हैं, और ये बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लार्जली आपको कराची, लाहौर, अगर इस्लामाबाद में नज़र नहीं आ रहे या पिशावर में नज़र नहीं आ रहे, तो ये जो पेरिफेरल एरियाज हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, जिसकी वजह से नेचुरली जो पोलिटिकल मूवमेंट्स वाले लोग हैं, जो सोशल मूवमेंट्स चलाने वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट मिलती है इन इकोनॉमिक ग्रुप्स की कि ये स्टेट के ऊपर प्रेशर डाल सकें। अब पहले तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करते रहे और सिंबॉलिकली चीजें चलाते रहे, लेकिन अब उन्होंने इसको और अंदाज से भी ट्रेड शेड को भी रोका हुआ है। अब जो हमारा जो इस्लामाबाद में के अंदर एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसने भी अपने वकीलों की मीटिंग कॉल की है, और जीबी का जो गिलगित बल्तिस्तान की जो कोर्ट का डिसीजन है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे ताकि इसको, लेकिन क्या ये हुकूमत को पहले नहीं पता था इसको चैलेंज करना है? क्या हुकूमत को पहले नहीं पता था? पता था तो क्यों उस इतने दिन इसका इंतजार किया? क्यों मीडिया की जीनत बनने दी? क्यों इसको इस मुकाम पे ले आए कि कारोबार बंद हो गया, चीनी सामान लेके तो सुस्त बॉर्डर के उस तरफ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान इस तरफ खड़े हुए हैं, कारोबार हो नहीं सकता। उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाएं तो वहां पे भी यही मसला है कि वहां पे भी सामान उधर खड़ा रहता है, आधा उधर खड़ा रहता है, आधा इधर खड़ा रहता है, ना वहां जा सकता है ना यहाँ आ सकता है। अब जितनी भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आती हैं, जूते, गारमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, जो कि पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, सुनने में तो आता है ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, मेडिसिन की हर्ब्स भी आती हैं, कपड़ा भी आता है, हर चीज ही आती है, बंदे भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, खवातीन भी, हर चीज ही चाइना से आती है पाकिस्तान के अंदर, तो सीधी सी बात है। गाड़ियां भी आती हैं, उनके टायर भी आते हैं, उनके पंक्चर लगाने वाले भी आते हैं, पाकिस्तान में तो कुछ बनता नहीं है उस अंदाज से जिस अंदाज से बनना चाहिए। तो पाकिस्तान की हुकूमत को, जो हमारी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, क्या उनको इन चीजों का पहले पता नहीं था कि ये चीज है? एंड देन आपको पता नहीं बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान को इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा है कि बलूचिस्तान जो है उसकी क्या पोजीशन है इस वक्त दुनिया के अंदर, कि एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है बलूचिस्तान, लेकिन वहां पे आप देख लें क्या है। सो चाइनीज अंडर प्रेशर है, चाइनीज अंडर प्रेशर है, चाइनीज ये समझते हैं कि हमारे लिए मामलात जो हैं वो थोड़े से खराब किए जा रहे हैं, ये चाइनीज समझते हैं, और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें मुख्तलिफ अंदाज से, जैसे आप कह लें कि आप ये कह लें कि घेरा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उनको ये समझ आ रही है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है उसकी हुकूमत इकोनॉमिकली वीक है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में वो हमें इंगेज नहीं कर सके।